ढार का दबाव कुछ इतना तेज है कि अल्फाज रोकते ही मेरे होठ फट गए, तो मैं दो तीन शेर आपके लिए पेश करना चाहता हूँ। एक तो आपके व्यक्तित्व के बारे में वो डॉक्यूमेंट्री छोटी सी देखी तो मुझे गुरु गोविंद सिंह साहब की एक बात याद आ गई कि अच्छी सोच तो बहुत होती है लेकिन अच्छी सोच के साथ डिटर्मिनेशन और ताकत नहीं होती। जब वो दोनों चीज़ मिल जाती हैं तब गुरु गोविंद सिंह या सत्यार्थी जैसी शख्सियत का जन्म होता है। अपनी आँखों में उतारे हुए सीने का लहू, अपनी आँखों में उतारे हुए सीने का लहू, अपने पलकों के सितारों की हिफाजत करना, रात भर जागना, दिन नजरे सफ़र कर देना, राह कैसी भी हो तय सारी मसाफत करना, तुम रश्क तो करते हो मेरे हालात से पर तुमने देखा ही नहीं है मेरा मेहनत करना। अभावग्रस्त बचपन पर बहुत कहा जाता है, सुना जाता है, पर कुछ ऐसे रोग होते हैं जो रोग की श्रेणी में ही नहीं आते हैं, उनका निदान जो है बड़ा मुश्किल होता है। एक बच्चे को सबसे ज़्यादा दुलार की ज़रूरत होती है और हम लोग उसको जो है मेटेरियल देके खुश करना चाहते हैं। तो एक बच्चे के जन्मदिन की एक छोटी सी कविता है, डॉक्टर मनोज रस्तोगी हैं मुरादाबाद की, उनके द्वारा लिखी हुई। लोग आए, मोमबत्तियाँ बुझाई और केक काटा। लोग आए, मोमबत्तियाँ बुझाई और केक काटा, तालियाँ बजाई और हवा में नारे उछाले, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर बच्चे की तरफ देखा, बच्चे के मम्मी पापा की तरफ देखा, एक अर्थ भरी मुस्कुराहट फेंकी। अब यहाँ अर्थ के दो मीनिंग हैं, अर्थ मीन्स मनी, अर्थ मीन्स मनी। एक अर्थ भरी मुस्कुराहट फेंकी और बच्चे के हाथ में चंद वज़नदार लिफाफे थमा दिए। एक अर्थ भरी मुस्कुराहट फेंकी और बच्चे के हाथ में चंद वज़नदार लिफाफे थमा दिए। देर रात और धीरे धीरे खाने की टेबलों की तरफ हंसते हुए बढ़ गए। देर रात तक ये सिलसिला चलता रहा और बच्चा टुकुर टुकुर देखता रहा। देर रात तक ये सिलसिला चलता रहा और बच्चा टुकुर टुकुर देखता रहा। अपने जन्मदिन का तमाशा देखते देखते जब थक गया बच्चा, तब सबकी नज़र बचाकर घर की बूढ़ी नौकरानी उसके पास आई। उसने सिर्फ उसके सिर पर प्यार भरा हाथ फेरा और उसकी आँखों में आँखें डालकर मुस्कुराई। अब बच्चा टुकुर टुकुर नहीं देख रहा था, वो भी मुस्कुरा रहा था, वो भी मुस्कुरा रहा था, वो भी मुस्कुरा रहा था।